स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो जेके मसाले प्रेजेंट्स दिवाली स्वाद वाली टेस्ट ऑफ राजस्थान। दोस्तों दिवाली आते ही पूरे घर में महक छा जाती है, अरोमा या फिर किसी परफ्यूम की नहीं बल्कि खाने की। कहीं कचौड़ी का स्वाद, कहीं पर रसगुल्ले की महक, तो कहीं गुंजिया की महक, मुंह में पानी आ गया ना। तो इसी स्वाद को बढ़ाने के लिए, जिससे इस दीपावली आपके घर में बहुत सारी खुशियां आए और मेहमान भी आपके खुश होकर जाए, लेकर आए हैं हम दिवाली स्वाद वाली। और इसलिए हमें बताने के लिए मौजूद हैं मास्टर शेफ और होटल शिव विलास के वाइस प्रेसिडेंट महेश जी। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आए हैं, आप इतने दिन बहुत गायब रहे, तो कहाँ थे आप? देखिए, था तो मैं यहीं पे। एक्चुअली मेरे जो जॉब है और मेरी जो प्रोफाइल है, उसमें मेरा पूरा टाइम खाना और खाने की खोज में ही रहता है जी। और देश विदेश की यात्राएं करी और फिर काफ़ी ईमेल्स और काफ़ी लोगों के पत्र आए, लोगों ने व्हाट्सएप किए कि साहब आप आजकल टीवी पे दिखते नहीं हैं, कहाँ गायब हैं, जो सेम सवाल आपका था। लेकिन मैं कहीं ना कहीं व्यस्त था और अभी मैं इंडियन कुजीन के ऊपर कुछ डिस्कवरी कर रहा था। सो आई वॉज इन दुबई एंड बहरीन फॉर मोर देन 2 ईयर्स और वहाँ पे मैंने इंडियन खाने को बाहर और उसको सम्मान मिले हमारे हिंदुस्तान के खाने को। सो उसके लिए मैं काफ़ी काम कर रहा था और दिवाली भी आ चुकी है और इस दीपावली पर आप हमारे दर्शक जो है उनके लिए बहुत कुछ लाए हैं। आपने कहा कि आप बहुत खाना खजाना ढूंढ रहे थे, तो इस दीपावली पर क्या खाना लेकर आए हैं? देखिए, एक मेरी बहुत फेवरेट रेसिपी है, क्योंकि हमारे घरों में मेन कोर्स के लिए बड़ी दिक्कतें आती हैं कि हम खाली पनीर को बनाते हैं और पनीर की एक रेसिपी बना लेते हैं, पनीर बटर मसाला ग्रेवी में डाल दिया, कुछ ट्विस्ट नहीं होता है। और मेहमानों के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए। तो आई हैव अ वेरी स्पेशल रेसिपी फॉर टुडे मेरे जो भी चाहने वाले हैं उनके लिए, और वो रेसिपी है पनीर गुलनार। दैट इज़ पनीर गुलनार जो है एक रोल्ड पनीर होता है, और उसमें हमने जयपुर की एक और ट्विस्ट उसमें डाला है, और वो है उसकी स्टफिंग जो मावा और मिश्री के साथ में करके। तो ये बहुत ही प्यारी डिश है, लोगों को पसंद आएगी और बनाना बहुत ही ईजी है। सो मेरे जो स्टेप्स हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आप लोग कागज पेन। यानी जो आप महेश जी हमें आज डिश बताने वाले हैं वो मेन कोर्स में हम खाएंगे पनीर गुलनार। वेल, नाम भी नया सुना है मैंने और मुझे ऐसे एक्साइटमेंट भी है कि आप कुछ नया ही खिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम तैयारी करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स क्या लेंगे? इंग्रेडिएंट्स में मैम हमने इसमें ये पनीर लिया है, और ये पनीर की जो स्लाइस है, इस पनीर की स्लाइस को स्लाइस करने के लिए बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अब आप सोचेंगे कि पनीर का इतना पतला स्लाइस कैसे किया जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि पनीर का जो अपना ब्लॉक आता है उसको आप थोड़ा सा गुनगुने पानी में रख दीजिए, पनीर को थोड़ा सॉल्ट डाल दीजिए, तो उससे हाँ फिर सॉफ्ट हो जाएगा। और देन यू कैन मेक ए स्लाइस लाइक दिस, इसको मतलब एक नाइफ से आप अच्छे से पतले से स्लाइस बना लें। स्लाइस का हमें बहुत ध्यान रखना है कि बहुत पतले हों, और उसके लिए बहुत ज़्यादा भी नहीं। देखिए ये थिकनेस भी चलती है, और उसके लिए मेरे पास में जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं इसमें सिंपल हम लोग को ये जो मावा है इसको अंदर इस तरीके से स्टफ़ करेंगे मावा, और थोड़ी सी मिश्री जो है मेरी बहुत फेवरेट है। और आप देखिए कि ये ट्विस्ट है कि खाने में मिश्री आएगी, और जब मावे के साथ में हाँ जी अच्छी होती है। अच्छा, आपने एक स्पून मिश्री लिया है और हाँ, एक स्पून मावा लिया है, ये आप अपने हिसाब से जैसे हम लोग मिक्स कर देते हैं वैसे मिक्स नहीं किया है, इसको गार्निश करने। बिल्कुल, देखिए आप ये जिस तरीके से मैंने इसको रोल कर रहा हूँ, और ये बहुत आसानी से रोल हो जाता है। यदि आप गर्म पानी में इसको नहीं डालेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा पनीर, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको गर्म पानी में आप डालें, और देन इसको आप थोड़ा सा फ्राई करना है। हाँ, हल्का सा इसको ग्रिल करेंगे, नॉट फ्राई। और मैंने पहले से भी रोल्स बना रखे हैं। बिल्कुल, तैयारी पहले से हो रखी है जिससे कि आप लोग जो है फटाफट से ये रेसिपी बनाएं। महेश जी, आप ये रेसिपी बना रहे हैं, इसमें कितना टाइम लगता है? इसमें डिपेंड करता है मैम, क्योंकि ये देखिए पनीर को काटना है और रोल करना है, इसके अलावा जो इसकी ग्रेवी है वो ग्रेवी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि वो ग्रेवी जो है हम हमारे स्वाद अनुसार, जैसे आपको फील होता है कि भाई हमें टमेटो बेस्ड ग्रेवी चाहिए
या हमें अनियन बेस्ड चाहिए। कुछ लोग हैं जैनी होते हैं, अनियंस नहीं खाते हैं, जिंजर गार्लिक नहीं खाते हैं, तो उनके लिए डिपेंड करता है कि आप बॉयल टमेटोज ले लें और उसको बॉयल टमेटोज को अनियन के साथ पेस्ट कर लें। ये आपने ग्रेवी के बारे में बताया, मतलब मैं ये मान लूँ कि जो हमारे दर्शक हैं, ऑडियंस है, जो ये ग्रेवी बनाएगी और ये पनीर गुलनार जो बनाने वाले हैं, तो हाँ। मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे। हाँ, 30 मिनट से भी कम समय में बन सकता है। यदि मेहमान आ गए हैं और आपको फटाफट चाहिए तो 5 मिनट में पनीर जो है सॉफ्ट हो जाता है। एंड देन आपके पास में बॉइल्ड टमेटोज और अनियंस को थोड़ा सा बॉइल करिए, पेस्ट बना लीजिए, द ग्रेवी विल बी लाइक दिस। ग्रेवी बनाने के लिए आपको अनियन चाहिए, अनियन कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए? अनियन हाफ हाफ ले लीजिए मैम दोनों, और ये ग्रेवी जो हाँ और इसको अच्छा सा मिक्सी के अंदर आप ग्राइंड करना है। हाँ, आपने ये मिक्सी में, जैसे कि महेश जी बता रहे हैं, आपको अगर 3-4 आप अनियन लेते हैं तो साथ में 3-4 आपको टमाटो लेने हैं, उनको मिक्सी में ग्राइंड करना है, अच्छे से ग्रेवी बन जाए ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब उसके बाद आपको इसमें अब हम थोड़ा सा केसर डालेंगे ग्रेवी में। एक स्पून आपने हाँ ये केसर को पानी में भिगो के रखा था। इसके अलावा थोड़ी सी रेड चिली डालेंगे। रेड चिली बहुत बहुत कम डालनी है क्योंकि ये एक स्वीट मेन कोर्स है, स्वीट एंड स्पाइसी। बिल्कुल मिश्री पनीर में डाली है और तो इसलिए स्पाइसी कम रखना है। और उसके लिए अब मैं इसमें वेरी इंपॉर्टेंट डाल रहा हूँ, वो है जेके मसाला, दैट इज अ गरम मसाला। ये मेरा बहुत फेवरेट मसाला है जिसको मैं अपनी मैक्सिमम रेसिपीज में डालता हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी मिर्ची, और अब हम डालेंगे इसमें क्रीम। क्रीम का यूज इसमें क्रीम थोड़ा सा हम लोग ज्यादा डालेंगे। ये मेरा पनीर भी ग्रिल हो गया है। पनीर ग्रिल होने में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा है। हाँ, 5 मिनट। अब आप देखिए ये ऐसे पिंक वेल्वेट ग्रेवी बन गई है। महेश जी साथ में इसको हिलाते भी जा रहे हैं, इसको हाँ, मिक्स कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए अभी वेल्वेट ग्रेवी बन गई है हमारी। महेश जी क्या हम क्रीम की जगह दही यूज कर सकते हैं या आप, कोई और आप, इसका आप सब्स्टिट्यूट हो सकता है? नहीं, इसमें दही यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें क्रीम ज़्यादा, क्योंकि खटास हमने ऑलरेडी ले ली है, हम लोगों ने पहले ही उसमें टमेटोज डाल दिया है ग्रेवी में। तो आपको ग्रेवी में, जैसा आप देखते जा रहे होंगे महेश जी किस तरह से ये ग्रेवी बना रहे हैं, आप ये देखिए साथ साथ में ग्रेवी बनाइए और पनीर को भी साथ में, जैसे कि अब ये पनीर हल्के से गोल्डन कलर के सुनहरे दिखने लगे हैं, और जैसे ये आप देखें इसमें मावा जो है वो मेल्ट हो गया अच्छा सा। अच्छा, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। हाँ जी, और मिश्री भी जो है उसमें हो गया है, मेल्ट हो गई होगी मिश्री भी, और ये मैं थोड़ा सा इसमें कलर देने के लिए गार्निश डाल रहा हूँ। गार्निशिंग भी उसकी अच्छी सी होनी चाहिए। ग्रेवी भी यहाँ पे तैयार है, क्रीम डली हुई ग्रेवी ये है, खुशबू आने लगी है, आप खुद ही देखिए कि आपको खुद को अच्छी लग रही होगी ये। बिल्कुल अच्छी लग रही है और उसके साथ महक भी आ रही है। अब लास्ट जो प्लेटिंग होती है, यहाँ पर प्लेटिंग कर रहे हैं महेश जी, और उसके लिए ये 3 जो रोल बनाए हैं पनीर रोल, उसके ऊपर ये ग्रेवी जो वेलवेट ग्रेवी है ये हमने डाल दी है। थोड़ा सा मैंने इसको इसलिए रखा है कि हाफ पनीर दिखना चाहिए जिससे उसकी स्टफिंग और वो दिखे। हाँ, हाफ के अंदर ये है और लुक भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, और ये थोड़ा सा केसर जो है हम लोग इसमें ऊपर से डालेंगे जिससे खुशबू भी बरकरार रहे, और साथ और में ये थोड़ा सा हम लोग कोरिएंडर डालेंगे जिससे इस डिश में कलर भी आ जाएगा। तो मैडम मेरी ये रेसिपी तैयार है, और ये थोड़ा सा गरम मसाला जो है स्वाद के लिए जेके गरम मसाला में डालूंगा। लेकिन महेश जी रेसिपी तैयार है, मेरे से रुका नहीं जा रहा है, क्या तो मैं अब आपको टेस्ट करके बताना है कि इज इट राइट और किस तरीके का स्वाद है, और बनाना बहुत आसान है। हाँ, जैसा मैंने अभी सिखाया, बनाना बहुत आसान है, और साथ ही में देखिए गरम मसाला डाला हुआ है, कोरिएंडर डाला हुआ है, केसर डाला हुआ है। तो मैं सबसे पहले ग्रेवी टेस्ट करती हूँ। बहुत सॉफ्ट है, ना नमक ज्यादा ना मिर्ची ज्यादा,
और क्रीम भी जिस तरह से घुल गया है, अलग से टेस्ट नहीं आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है। साथ में जो अनियन और टोमेटो, उसका पेस्ट जो है, बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम लोग बोलते हैं वेलवेट ग्रेवी, मतलब मखमल की जैसी ग्रेवी। तो आप मखमल जैसी ये ग्रेवी बनाइए और अपने गेस्ट को खिलाइए। वेल, ये तो ग्रेवी की बात हो गई महेश जी, लेकिन साथ ही साथ आपने पनीर जो बनाया है, पनीर रोल बनाया है, इसको भी टेस्ट करके देखती हूँ मैं। सॉफ्टनेस बहुत है पनीर में, जिस तरह से आप बता रहे थे कि पानी में अगर आप इसको पनीर को रखेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्टनेस बहुत है। साथ ही साथ मिश्री का स्टफिंग जो हमने डाली है, मिश्री भी मिक्स हो गई है एक्चुअली, बहुत ज्यादा जो है पता नहीं चल रहा है, घुल गई है, मतलब कुल मिलाकर जो ये रेसिपी है वो बहुत परफेक्ट है, यानी 5 स्टार्स इसको मिलने चाहिए। और इस दिवाली आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कैसे ट्राई करेंगे उसके लिए आपको दिखा देते हैं क्विक रिकैप। इंग्रेडिएंट्स आपने नोट कर लिए होंगे कि क्या कुछ आपको यूज़ करना है, और उसी के साथ हमारी पनीर गुलनार बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी है। लेकिन नेक्स्ट रेसिपी क्या होगी महेश जी, ये आपसे जानना चाहेंगे। अगली रेसिपी हम लोग बनाने जा रहे हैं वो है कैर सांगरी के कबाब। कैर सांगरी के कबाब, वैसे भी कैर सांगरी जो है राजस्थान में बहुत फेमस है, और यहाँ नॉर्मली अन्नकूट हो या कोई भी त्यौहार होता है तो कैर सांगरी जरूर बनती है। तो उसकी सब्जी के अलावा कबाब बनाने का एक नई विधि मेरे पास में है, I'll share with you this। बिल्कुल, तो कबाब और कैर सांगरी कैसे बनेगा और कैसे ये चटपटा स्वाद आपके घर में आएगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो जेके मसाले प्रेजेंट्स दिवाली स्वाद वाली टेस्ट ऑफ राजस्थान। और भाई जब टेस्ट ऑफ राजस्थान की बात होती है तो कैर सांगरी की सब्जी याद आ जाती है, और महेश जी आपने ब्रेक पर जाने से पहले हमें बताया भी था कि सांगरी के कबाब आप मनाने वाले हैं, क्योंकि कैर सांगरी की सब्जी तो हमने खाई है, लेकिन ये सांगरी के कबाब क्या है? देखिए, ये बहुत ही एक स्पेशल कबाब है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग कैर सांगरी को केवल हमारे तीस त्यौहार में या कभी अंकुट होता है उसमें ही हम लोग इसकी सब्जी बनाते हैं या फिर इसका एक अचार बनाते हैं, लेकिन सांगरी एक इतनी हेल्दी इंग्रेडिएंट है जिसको खा करके जो हमारा राजस्थान के अंदर जो बाजरे की रोटी के साथ में और इन चीज़ों के साथ में खाते हैं, ये बहुत ही प्रोटीन वाला है। और दूसरा क्या है कि ये इसका जो स्वाद है एक बिटरनेस टेस्ट होता है, और ये बिटरनेस जो टेस्ट है वो डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि यदि इसको बहुत कम ऑयल के अंदर ग्रिल करें इस कबाब को तो ये बहुत ही फैंसी और बढ़िया और जल्दी बनने वाला कबाब है। आप लोग ज़रूर मेरे साथ इसको ट्राई करें, और इस बार दिवाली पे तो ज़रूर इसको कोई ना कोई अपने मेहमानों के लिए इसको आप बनाएं और इसे खिलाएं, और उनसे पूछिए कि ये किसका है, उन्हें पहले बताएं ना और फिर आप बताएं कि भाई ये कबाब हमने इस इंग्रेडिएंट से बनाया था। बिल्कुल, तो कबाब सुनते ही हमारे मन में अलग अलग इमेजिनेशन बनने लगती है कि कबाब उसके होंगे। नहीं, नॉन वेजिटेरियन में ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कबाब जो एक वर्ड है ये लखनऊ से आया था, अवधी कुजीन से आया था। तो कबाब जो हैं, जितने भी नॉन वेजिटेरियन कबाब्स हैं उसी तरीके से वेजिटेरियन कबाब्स भी बहुत हैं, और उसके अंदर जो मसालों का जो कॉम्बिनेशन है, उन मसालों के और इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन से और उसके अंदर कुछ बाइंडिंग एजेंट्स इस तरीके से डाले जाते हैं कि वो कबाब
बहुत ही बेहतरीन रहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि उसको ड्रिंक्स पार्टी में ही करें, आप अपनी चाय, नाश्ते और शाम की पार्टी के लिए भी कबाब कर सकते हैं और दिवाली पर भी कर सकते हैं, जैसे कि आज हम सांगरी के कबाब बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले महेश जी, इंग्रेडिएंट्स क्या लेने वाले हैं? देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो लेंगे, ये सांगरी है जो कि मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल कर रखा है। इसके अलावा कस्तूरी मेथी है, और एक ये देगी मिर्च है लाल वाली। इसके अलावा वाइट पेपर है, और एक ये सूखी मिर्ची भी हम लोग इसमें डालते हैं, थोड़ा धनिया, थोड़ा नमक, और ये मेरा फेवरेट जेके गरम मसाला, जिसके अंदर जायफल का स्वाद है इसमें ज़्यादा, क्योंकि ये वाला मैंने स्पेशल कंपनी को बोल के ये इंग्रेडिएंट बनवाया था। और ग्रिलिंग के लिए हम लोग लेंगे देसी घी। तो इसको बनाने के लिए हम इसे बॉईल, ये इंग्रेडिएंट्स जो सुन के ही मुंह में पानी आने लगा, मतलब कुछ मसालेदार कबाब बनने वाले हैं आज। बिल्कुल बनेंगे। इसके लिए मैंने ये जो कबाब है, इसका एक मिक्सर मिक्सी में अच्छा सा इसको पेस्ट कर लिया है। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं? यही सारे जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जिंजर और ये सारी जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं, जो मिक्स करके आपने ग्राइंड किया है, ये तो मसाला बना लिया, लेकिन ये मसाला कितने लोगों के लिए, देखिए कितनी मात्रा में ले सकते हैं? ये देखिए कि एक पैटी जो है अप्रॉक्सीमेट करीब करीब 50-60 ग्राम की हम लोग इसकी एक पैटी बनाते हैं। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हो करके, क्योंकि क्या है कि इसको ग्रिलिंग करना है और अंदर तक उसमें हीट जानी चाहिए। और इसमें मैंने जो थोड़ा मिर्च और नमक और पेपर जो है और गरम मसाला, उसके क्वांटिटी को बहुत बैलेंस करके किया है, आप अपने स्वाद अनुसार, यानी चुटकी, एक चुटकी डाल दीजिए या उससे नहीं, भी कम? चुटकी नहीं, अब आप डिपेंड करता है आप कितने कबाब बना रहे हैं, कितने मेहमान आ रहे हैं, तो लेकिन आप अपने स्वाद अनुसार इसको डालें। उसके लिए आपको ये जो बॉल हैं, ये बॉल को इस तरीके से रोल करें, और देखिए इसमें आप देख रहे हैं, ये मिर्ची जो है, ये जो सूखी लाल मिर्च है, वो इसमें बहुत अच्छे से दिखती है, वो कलर अलग से निकल कर आता है, और शायद टेस्ट में भी ये अलग से दिख गया है। लेकिन सांगरी जो आपने महेश जी, वो कितनी क्वांटिटी? ये आपको मान के चलिए करीब आपको एक पोर्शन, यदि आप बना रहे हैं 6 पीसेस बना रहे हैं, तो करीब करीब 200 ग्राम आपको सांगरी लेनी चाहिए। अगर आप 6 पीसेस बना रहे हैं कबाब के, तो उसके लिए आपको 200 ग्राम सांगरी लेनी है, और उसी के साथ आपको रोल करना है ये हाथ से महेश जी, गोल गोल छोटे छोटे। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि इसमें कोई पानी या कुछ ना मिलाएं, मिक्सी में इसको पीसना थोड़ा आसान नहीं है, तो इसको धीरे धीरे मिक्सी में पीसें, क्योंकि पानी बिल्कुल यूज नहीं, अक्सर क्या होता है, मिक्सी नहीं चलती है, लोग पानी डाल देते हैं, तो इस कबाब में पानी तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जी बिल्कुल महेश जी, एक बार ये जो कबाब है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से छोटे नहीं, अभी 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 ये तैयार नहीं हुआ है। नाउ आई एम पुटिंग अ शेप, बिल्कुल इसको एकदम राउंड करने के लिए, ये देखिए लाइक अ टायर, राउंड आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे बिल्कुल राउंड हो जाएंगे। अब आप चाहें तो इसमें एक एक काजू भी लगा सकते हैं, यानी छोटे छोटे से आपको पहले मसाला बनाना है। कैर सांगरी की जैसे सब्जी बनाते हैं, उसमें सांगरी जो आप यूज़ करते हैं, वो सांगरी आपको ग्राइंड करनी है मिक्सी में विद मसाले, जो मसाले महेश जी ने आपको बताए हैं, और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेनी है। मिर्ची और नमक का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वाद अनुसार यूज़ कीजिएगा। और मैं अब इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल रहा हूँ, देखें, और एक इतना, चम्मच आपने, हाँ नहीं, एक चम्मच से थोड़ा कम, क्योंकि नॉर्मली क्योंकि तो मैंने जैसे बताया कि वैसे भी दिवाली पे आपका खान पान ज़्यादा बढ़ जाता है, तो लेकिन ये देसी घी थोड़ा कम रखेंगे तो हेल्दी भी है। हाँ हेल्दी भी है, और मैंने जैसा बताया डायबिटिक और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ये कबाब बहुत अच्छा है। सांगरी के कबाब बना रहे हैं, आप बाहर भी बहुत गए, आपने बताया कनाडा गए, वहाँ पे नई नई डिशेस बनाई, तो किस तरह की डिशेस वहाँ पे पसंद की जाती थी? देखिए, मेरा जो अभी सर्वे रहा है, मैं करीब अब तक 27 कंट्रीज घूम चुका हूँ बिकॉज ऑफ द फूड इंडस्ट्री, और मैंने अभी जो देखा है वो पहले दुनिया में, आज से 5-7 साल पहले की बात करूँ तो चाइनीज़ और इटालियन फूड वॉज वेरी वेरी फेमस, बट अभी जो एकदम से जो बहुत चेंज आया है पूरे वर्ल्ड में इंडियन कुजीन को लेके,
जो यूरोप में हो चाहे अमेरिका में हो या कनाडा हो, तो वहाँ पे हमारे फूड को लेके, इंडियन फूड और हमारे इंडियन स्पाइसेस को लेके लोगों में बड़ी उत्सुकता है और इतना ज़बरदस्त बनता है कि आज देखिए कि बहुत सारे NRIs जो हैं अब नाउ दे आर ओपनिंग इंडियन रेस्टोरेंट्स। बिल्कुल, वो जायका ही अलग होता है। इंडिया का ना जो मसाले होते हैं ना उनमें स्वाद ही अलग होता है। जैसे अब आप इसको पका रहे हैं, अब आप देखिए कितनी अलग सी खुशबू जो है वो महकने लगी है पूरे किचन में। बिल्कुल बिल्कुल, यही इस कबाब की खासियत है देखिए। और इसमें जो इंग्रेडिएंट है, जो सांगरी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये बहुत हेल्दी है और कोई जजमेंट नहीं कर पाएगा कि व्हाट इंग्रेडिएंट वी एक्चुअली यूज्ड इन दिस रेसिपी। और सांगरी है ये किसी को नहीं पता चलेगा। आप कबाब खिला भी देंगे और जब पूछेंगे तब शॉक जरूर लगेगा। और आप देखिए कि इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पहले बॉयल किया हुआ है, उसका पेस्ट किया है, सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं, थोड़ी देर इसको फ्रिज में भी रखा हुआ है जिससे ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है। अच्छा, फ्रिज में रखना बहुत जरूरी है। और कितनी देर में रखना? हाफ एन आवर आप फ्रिज में रखेंगे ना तो इसमें जो शेप लानी है ना आपको, तो ये शेप आने में बहुत इजी रहेगा। और अब इसके अंदर क्या है कि आप देखिए कि इसे हमें ज़्यादा पकाने के नहीं, थोड़ा ग्रिल किया है मैंने, थोड़ा कलर दिया है, इसलिए दिया है कि ये ऑलरेडी बॉयल्ड है तो दोबारा इसको और ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा दर्शकों कि जब आप सांगरी को बॉइल करें उसके बाद उसे फ्रिज में ज़रूर रख दें। वो इसलिए क्योंकि जब वो टाइटनेट स्टिफनेस जो है वो कबाब की तभी बनेगी जब आप उसको फ्रिज में आधे घंटे रख दीजिए, वो काफ़ी होगा। तो अब हमारे जो कबाब हैं वो सिक चुके हैं, ब्राउन हो गए हैं, गोल्डन कलर दिखने लगा है। अब मैं ये जो कबाब्स हैं इनको मैं महकने लगे हैं और टेस्ट भी कुछ ऐसा मसालेदार सा आने लगा है। क्योंकि देखिए जो लाल मिर्ची है उसके दाने भी अलग से दिख रहे हैं जो आपने उसको ग्राइंड किया हुआ है। कबाब जो हैं ऑलमोस्ट रेडी हैं, अब हम इसकी प्लेटिंग करने वाले हैं। कुल प्लेटिंग के लिए मैंने ये थोड़ा सा रेड पेपर जूलियंस जो हैं वो कहीं कहीं डालूंगा जिससे इसमें कलर आएगा, कुछ अलग से दिखेंगे। जब आप उसे ये खाया जाएगा तो उसका टेस्ट अलग होगा और जब मुंह में जाएगा तो बात ही कुछ और होगी। ठीक है, आपने इसे कोरिएंडर से भी कोरिएंडर डाल दिया है। तो मेघा जी, ये सांगरी के कबाब तैयार हैं और ये स्पेशल मैंने दर्शकों के लिए बनाया और आपके लिए। आप इसे चखिए और मुझे बताइए What do you feel about this? Taste of Rajasthan बिल्कुल तैयार है, यानी कि सांगरी के कबाब रेडी हो चुके हैं और अब जैसे महेश जी ने खिलाई रहे हैं तो मैं टेस्ट करके देखती हूँ। अब आपको मैंने नहीं, मैं यदि आपको बिल्कुल गैस नहीं कर पाती कि ये सांगरी के कबाब है, लेकिन मुझे पता है फिर भी टेस्ट बहुत अच्छा है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मिर्ची जो है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि हमने जो लाल मिर्ची अलग से डाली थी और बिल्कुल हमने सूखी लाल मिर्ची जो है वो इसमें हमने कूट के डाली, कूट के डाली है, वो भी उसका भी टेस्ट अलग से आ रहा है, लेकिन खाते जाने का मन कर रहा है। वेल, तो ये तो होगी रेसिपी सांगरी के कबाब। तो अगर आप भी इस बार अपने घर पर दीपावली पर कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं, अपने गेस्ट को सरप्राइज करना चाहते हैं तो सांगरी के कबाब जरूर बनाइएगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आपको इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। आपने सारे नोट कर लिए होंगे महेश जी, आपने बता दिया हमें कि सांगरी के कबाब कैसे बनाने हैं, कैसे जो गेस्ट हैं अपने उनको सरप्राइज करना है। लेकिन कबाब के साथ हम साथ में क्या कुछ जो पेश कर सकते हैं अपने गेस्ट जो? देखिए, ये जो कबाब है इसके साथ में यदि आप कोई वेलकम ड्रिंक बनाएं, आजकल बड़ा फैशन हो गया है कि खाली कबाब आप सिंपल दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो कुछ ऐसा मॉकटेल घर में बनाएं। आजकल बहुत सारी रेसिपीज़ गूगल में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो इसके साथ यदि आप कोई मॉकटेल यदि सर्व करें, साथ में ये भी हो सकता है कि छोटी छोटी चपातियाँ इसके साथ में, बहुत छोटे कॉइन टाइप आप चपाती बना के या पराठा बना के उसको कटर से काट के
इस कबाब को उस रोटी के ऊपर रख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कबाब की, जो कि आज हमने आपको सिखाए हैं, साथ ही बताए हैं कि पनीर गुड़नार कैसे बनाना है। तो इस दीपावली पर ये दोनों डिशेस बनाइए, अपने गेस्ट को खुश कीजिए, अपनी फैमिली को खुश कीजिए और दीपावली बहुत धूमधाम से मनाइए। तो आज के लिए हमारे खास प्रोग्राम जेके मसाले प्रेजेंट्स दिवाली स्वाद वाली टेस्ट ऑफ राजस्थान में इतना ही। ठीक है, बाय बाय।